हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं पेपर 14 का पार्ट 2। जैसा कि हमारी निरंतरता थोड़ी प्रभावित हो रही है, इसका कारण है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जो नया कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 14 का पार्ट बी। पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या 20 डिग्री? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। देखो, एक डिग्री घूमने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। तो 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 15 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा, यानी एक घंटा लग जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पृथ्वी को एक घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमेगी? 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धरातल पर एक डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी अक्षांश की बात कर रहे हैं हम, देशांतर की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक डिग्री अक्षांश पार करते हैं तो कितने किलोमीटर का रास्ता कवर हो जाएगा? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या 121 किलोमीटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 111 किलोमीटर। यानी अगर आप मान लीजिए 22 डिग्री देशांतर पे अक्षांश पे हो, आप 23 डिग्री देशांतर पे पहुंचते हो, तो कितनी दूरी कवर कर ली आपने? तो आपने 111 किलोमीटर दूरी कवर कर ली है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जिसने भी लगाया, ऑप्शन बी जिसने भी लगाया है, उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, देखो इसमें ऑप्शन बी जिसने भी लगाया उसका आंसर राइट होगा, ना कि ए। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में है तथा ग्रीनविच और उस स्थान के मध्य कितना अंतर होता है? तो हमें पता है कि एक डिग्री देशांतर का मतलब है 4 मिनट। तो 20 डिग्री देशांतर का कितना फर्क होगा? तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 20 चौक 80 मिनट का फर्क होगा। तो कह सकते हैं कितने मिनट का फर्क होगा? मिनट में 20 मल्टीप्लाई 4 तो 80 मिनट। अगर इसे घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 60 मिनट का एक घंटा तो पूरा हो गया। तो एक घंटा और 20 मिनट इसका आंसर होगा। तो इसने भी ऑप्शन बी यानी एक घंटा 20 मिनट बताया है, उसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है? यानी जो डोल्ड्रम क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता है? निम्न दाब और वायु का अवतलन है, निम्न दाब और मंद पूर्वी पवन है, सामान्य दाब और वायु का अवतलन है, या निम्न दाब और शांत पवन है? तो देखो, डोल्ड्रम की विशेषता में निम्न दाब है और शांत पवन है। डोल्ड्रम किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा है, उसके 10 डिग्री उत्तर में चले जाओ और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण में चले जाओ, तो ये वाला एरिया डोल्ड्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे निम्न दाब रहता है और पवने यहाँ पे कैसी रहती है? शांत पवने रहती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विषुवत व्रत के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। विषुवत व्रत है जो भूमध्य रेखा है, वहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, उसका क्या कारण है? कोरियोलिस बल शून्य होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, पवने समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल तीन सही है, केवल दो सही है, या एक या तीन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन टी, तीन। मतलब पहला प्रश्न भी सत्य है, क्योंकि जो पहला पॉइंट है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों नहीं बनते विषुवत रेखा के निकट? तो उसका कारण है कोरियोलिस बल वहां पे शून्य होता है और समदाब रेखाओं वहां पे समकोण पे बनती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात वहां नहीं बनते। देखो, दूसरा कथन भी वैसे सत्य है, गुरुत्वाकर्षण का मान भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है, लेकिन इसका कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, तो ये इसका कारण नहीं है, अन्यथा कथन ये सही है। तो देखो, अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें, इसे शॉर्ट में जी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है, और ये सबसे कम कहाँ पे होता है? तो जैसा कि बताया, भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल कौन से महासागर में है? हम बात कौन से महासागर की ट्रायंगल की कर रहे हैं? बरमूडा ट्रायंगल कौन से महासागर में? उत्तरी अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक में, उत्तरी प्रशांत में या दक्षिणी प्रशांत में? तो बरमूडा ट्रायंगल है वो कौन से महासागर में है? वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो हमारे सामने उत्तरी अटलांटिक महासागर का वो वाला हिस्सा आ गया है जहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है। तो देखो, आपको यूएस से का जो फ्लोरिडा वाला पार्ट है वो दिख रहा होगा, तो ये है वो यूएसए का
फ्लोरिडा वाला पार्ट है, यहाँ पे ये बर्मुडा देश है, और यहाँ पे एक पोर्टो रिको नाम के करके देश है। क्या नाम है? पोर्टो रिको नाम के देश है। अगर इसको इस प्रकार से देखते हैं तो एक ट्राइंगल की शेप बनती है, तो इसी एरिया को क्या कहते हैं? बर्मुडा ट्राइंगल कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? तो ये काफ़ी विश्व में कुख्यात है, कई प्रकार के मालवाहक जहाज और हवाई जहाज भी इस एरिया में आके मतलब नष्ट हुए हैं, तो इस कारण ये विश्व में कुख्यात विख्यात नहीं है। तो कौन से महासागर में? उत्तरी अटलांटिक में, और किसके निकट है? तो कह सकते हैं यूएसए का जो फ्लोरिडा वाला पार्ट है, और इधर पोर्टो रिको वाला पार्ट है, और ऊपर से बर्मुडा देश का जो पार्ट है, इन तीनों के मध्य जो एरिया बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बर्मुडा ट्राइंगल कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? मतलब चिली और पेरू से दूर बन रही है शीतजल की प्रवाह की धारा, क्या कहते हैं इसे? अलनीनो, हम्बोल्ट, अगुलुहास या किनारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हम्बोल्ट धारा है वो चिली और पेरू के दूर बनती है। और किस प्रकार की धारा है? ठंडी गर्म जल धारा। कैसी है? ठंडी जल धारा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टोबा, न्यासा, चाड या टिटिकाका। तो हनीमून लेक किसे कहते हैं? ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील भी है। तो कौन सी झील है? देखो टिटिकाका झील जिसने बताया उसका आंसर सही हो जाएगा। कहाँ पे है टिटिकाका झील? तो आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखे होंगे दो मुख्य देश, एक का नाम है बोलीविया, दूसरे का नाम है पेरू। तो बोलीविया और पेरू की सीमा पे ये झील अवस्थित है, और झील का नाम क्या है? टिटिकाका झील। और इस झील की विशेषता क्या है? इसे हनीमून लेक भी कहते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्विस कनाल की लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 156 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। तो जो स्विस कनाल है उसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर लंबी है स्विस कनाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का कितना प्रतिशत है? तो देखो हमें पता है विश्व की जो टोटल एरिया है उसका 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे थल है। अगर हम पृथ्वी के दो भाग करते हैं, मान लीजिए पृथ्वी का दो भाग करते हैं, एक भाग उत्तरी पृथ्वी और एक दक्षिणी पृथ्वी देख लेते हैं, तो अगर इसका दक्षिणी गोलार्ध को देखें, पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग देखें, तो इसके कितने प्रतिशत भाग पे जल है और कितने प्रतिशत भाग में थल है? तो 60, 63, 80 या 82। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी लगभग 81% भाग पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जल है। और कितना बच गया बाद में? 19% भाग पे ही दक्षिणी गोलार्ध में स्थल है, और जल कितने भाग पे है? 81% भाग पे जल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंपोस घास कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। हम कंपोस घास की बात कर रहे हैं तो ये ब्राजील देश में पाई जाती है। कहाँ पे? ब्राजील में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये वन मतलब एक प्रकार के वनों की विशेषताएं हैं, और आपको बताना है कि ये जो विशेषताएं हैं किस प्रकार के वनों से संबंधित है। तो पहला कथन है ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा कथन है ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है इन वनों में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये बातें किस प्रकार के वनों की विशेषताएं बताती है? उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण, सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो इसका आंसर जिसने भी ऑप्शन बी यानी शीतोष्ण सदाबहार वन बताया उसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी किस प्रकार के वन है? मध्य अक्षांशीय वन है। दूसरा, महाद्वीपों के किस किनारे पे? पूर्वी किनारे पे। और किस प्रकार के पेड़? तो दृढ़ भी और मुलायम भी दोनों प्रकार के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब कुछ घास के स्थल दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल कौन कौन से है? सवाना, वेल्ड, लानोस और कंपास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दो तीन और ऑप्शन एक तीन और चार जिसने भी बताया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। एक तीन और चार का तात्पर्य क्या है? यानी सवाना, कंपोस और लानोस ये क्या है? ये उष्ण कटिबंधीय है। और वेल्ड क्या है? वेल्ड है शीतोष्ण कटिबंधीय। किस प्रकार के है? शीतोष्ण कटिबंधीय वेल्ड घास के मैदान। और हमें क्या पूछा था? कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? तो सवाना है, कंपोस है और लानोस है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखो सवाना कौन से देश में अवस्थित है? तो अफ्रीका का जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पे सवाना घास स्थल है। ब्राजील के अंदर
कंपोस और वेनेजुएला में लानोस नाम के घास स्थल पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रे है वो वियतनाम में है, ये खेती के प्रकार है। रोका है ब्राजील में खेती की जाती है, केनिंग नाम की खेती फिलीपींस में, और लदांग नाम की खेती म्यांमार में की जाती है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि लदांग नाम की खेती है वो म्यांमार में नहीं की जाती, वो इंडोनेशिया में की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखो सही कथन है वो भी एक बार फिर से देख लेते हैं। जो रे नाम की खेती है वो कहाँ की जाती है? वियतनाम में की जाती है। कथन सही है, बिल्कुल सही है। रोका ब्राजील में की जाती है। कथन सही है, बिल्कुल सही है। केनिंग नाम की खेती फिलीपींस में की जाती है, बिल्कुल सही है ना। और लदांग नाम की खेती कहाँ की जाती है? ये इंडोनेशिया में की जाती है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक खेती क्या कहलाती है? यानी वो सब्जियां जो जमीन पे फैलती है और उनकी व्यापारिक कृषि की जाती है, तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? वेजिकल्चर, ओलेरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर या एपिकल्चर। तो इस प्रकार की खेती को कहते हैं भैया ओलेरिकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं। तो जिसने भी ऑप्शन बी बताया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बी आर अंबेडकर यानी बाबा साहब की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें अन्य कितने सदस्य थे? यानी यहां पे बाबा साहब को शामिल नहीं करना है, उनके अलावा कौन कितने सदस्य थे? 7, 5, 6 या 4? तो देखो प्रारूप समिति टोटल 7 सदस्य थी, जिसमें अध्यक्ष साहब थे, इसके अलावा 6 और सदस्य थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 6 सदस्य थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, 23 जनवरी 1947 या 22 जनवरी 1947? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कथन दे रखे आपको ये बताना है इनमें से सत्य कथन कौन से है? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 15 भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ये कथन सत्य है क्या? दूसरा है, भारत के संविधान का भाग जो 16 है वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये सत्य है। तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिक तथा विदेशी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि भारतीय लोगों को कौन कौन से प्राप्त है? नहीं, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30, ये ओनली भारतीय लोगों को प्राप्त है, और बाकी जो मौलिक अधिकार है वो भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है। तो ये कह रहा है कि 15 है ना विदेशियों को भी प्राप्त है, तो ये कथन तो गलत हो गया। तो पहला तो सही होने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा कह रहा है कि संविधान का आर्टिकल 16 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो सही बात है, तो दूसरा कथन सत्य हो गया। तीसरा कह रहा है आर्टिकल 21 भारतीयों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ये भी सही बात है, तो सही है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सत्य है। 2 और 3 सत्य किसमें दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में प्रावधान किस नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं? यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं? 40 में 41 में 44 में 48 में? तो देखो आर्टिकल 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान संविधान में दे रखे हैं, जो नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में सही है? यानी कौन सी बात है जो मूल कर्तव्य के लिए सही है? तो मूल कर्तव्य को प्रवर्तित करने की एक विधायी प्रक्रिया दे रखी है क्या कहीं पे? मुझे तो नहीं पता। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है? नहीं। देखो ये दोनों ही कथन है ना वो असत्य है। क्यों? क्योंकि देखो कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि अगर आप मूल कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो आप पे कोई विधायी प्रक्रिया विधायी कार्यवाही की जाएगी, है ना। तो पहला कथन तो शुद्ध रूप से असत्य हो गया। दूसरा कह रहा है कि विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो विधिक कर्तव्य अलग है और जो मूल कर्तव्य है वो अलग है, तो कह सकते हैं कि दोनों कथन ही असत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो देखो पहले राष्ट्रपति साहब को मंत्रिपरिषद की बात माननी होती थी, लेकिन बाद में कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया कि राष्ट्रपति साहब ना एक बार उस फैसले को वापस मंत्रिपरिषद को कह सकते हैं कि एक बार आप पुनर्विचार कर लो। हालांकि बाद में अगर पुनर्विचार करने के बाद उन्होंने सेम टू सेम वापस राष्ट्रपति साहब के पास भेज दिया तब राष्ट्रपति साहब को मानना होता है, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? ये 40, 44, 39 या 42? तो ये देखो ऑप्शन डी, यानी जो 44 संविधान संशोधन है
44वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान लागू किया गया कि राष्ट्रपति साहब कोई भी मामला आया एक बार उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकते हैं। हालांकि बाद में मंत्रिपरिषद वापस वो का कोई मामला भेज सकती है बिना कोई चेंजेस किए और राष्ट्रपति साहब को मानना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर भी मतलब शांत करने को ये मतलब लिया गया ताकि अनैतिक निर्णय न हो। अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या के जो वाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पास किस प्रकार लाए जा सकते हैं? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किस किस को है? सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को भी तो है। तो इस प्रकार किस प्रकार के मामले होंगे वो अपील क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं दिया? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, सभी राज्यों में। यानी ये कह रखा है कि इन राज्यों में न तो एससी के लिए आरक्षण है न ही एसटी के लिए, तो कौन से राज्य है? तो प्रश्न की व्याख्या के अनुसार कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय ये सारे राज्य हैं जहां पर एससी और एसटी के लिए लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन एक बार हमें इस प्रश्न के डेटा पे फिर से विजिट कर लेना है, गूगल पे एक बार सर्च कर लेना है, मैं भी अपने स्तर पे कर लूंगा। अगर इसमें कुछ परिवर्तन होगा तो मैं आपको अगले पेपर में इस बारे में अवगत करवा दूंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी उपाध्यक्ष साहब है वो लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और उन्हें अधिकार प्राप्त है, कि वह क्या अधिकार प्राप्त है कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं? अगर उपाध्यक्ष साहब है और वो अध्यक्ष बने हुए हैं वर्तमान में, तो विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं क्या? सदन के सदस्य के रूप में किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सांसद की नियुक्ति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते? तो देखो, अगर कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष साहब है वो लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं वर्तमान में, अब बात ऐसी हो गई कि कोई पर्टिकुलर मैटर पे बराबर बराबर मत पड़े, अब निर्णायक मत लेना है, तो उस समय जो उपाध्यक्ष साहब अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं उनको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है? यानी धन विधेयक से संबंधित कथन है कौन सा सत्य नहीं है, इसे राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक होता है ना, उसे लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है। पुरस्थापित मतलब पहली बार पेश करना, वो सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है, किसे? धन विधेयक को। तो ये कथन सत्य है। यदि कोई प्रश्न उपागत होता तो विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि अगर कोई विधेयक है उसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि ये धन विधेयक माना जाए या ना माना जाए, तो उस संबंध में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना उनका निर्णय अंतिम होता है। अगर वो कह देंगे कि ये धन विधेयक है तब वो धन विधेयक माना जाएगा, अन्यथा धन विधेयक नहीं माना जाएगा। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है कि धन विधेयक में अगर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति साहब संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो ये कथन देखो गलत है, क्योंकि धन विधेयक संबंध में कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। हमें गलत कथन आइडेंटिफाई करना था, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं कि कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुरस्थापित किया जाएगा अन्यथा नहीं। तो देखो, अगर धन विधेयक को लोकसभा में भी प्रस्तुत करना है ना, तो पहले राष्ट्रपति साहब की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसे लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है ना? तो चौथा कथन भी सत्य है। तो असत्य कथन कौन सा था? जो ऑप्शन सी है वो असत्य कथन था। तो जिसने भी ऑप्शन सी बताया है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुरस्थापित नहीं किया जा सकता? यानी कौन सा विधेयक है जिसे पहले राज्यसभा में नहीं पेश कर सकते? तो धन विधेयक को तो नहीं पेश कर सकते, ये तो हमें स्पष्ट है। संवैधानिक संशोधन, सीएजी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। तो देखो, इसमें होगा ऑप्शन सी, यानी जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे हम बजट भी कहते हैं, उसे राज्यसभा में पहले पुरस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे पहले लोकसभा में पुरस्थापित करना पड़ता है। तो देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? एक प्रकार का वित्तीय विधेयक है या धन विधेयक है, तो उसे लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के विधायी संबंध दे रखे? भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में, भाग 13 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भाग 11 में केंद्र राज्य के विधायी संबंध दिए गए हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी भाग 11 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में
में सिक्किम को मिलाया गया। देखो सिक्किम को भारत संघ में मिलाया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन उससे संबंधित था, 36वां, 38वां, 35वां या 37 का? तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहां दे रखा है, पहले नंबर पे, यानी 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन बी, यानी 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन करने की अधिसूचना कौन जारी करता है, यानी मतलब जो ब्लॉक है और जिला पंचायत है उनकी सीमा में चेंजेस हो गई, अब इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, तो कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो राज्यपाल साहब है वो खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन करने की अधिसूचना जारी करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल साहब करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के विषय में कौन सा कथन सत्य है, हमारे सामने कथन दे रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन कह रखा है कि इसमें सभी राज्यों के लिए ये अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की तीन स्तरीय व्यवस्था को स्थापित करें। तो क्या ऐसी व्यवस्था है कि हर राज्य के लिए जो पंचायती राज है उसके लिए तीन स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, कुछ राज्य ऐसे भी है जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ पे दो स्तरीय व्यवस्था ही काफ़ी है, तो वहाँ पे तीन स्तरीय व्यवस्था के प्रावधान नहीं किया गया। तो इसका मतलब पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए, तो कथन सत्य, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तीसरा कह रहा है कि सभी स्तरों पर जो सीटें हैं उसका 1/3 महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए, तो तीसरा कथन भी सत्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3 कथन सत्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हड़प्पा काल के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय की, उस समय प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, उल्लास, धोलावीरा, रोपड़, दिलुमन, मगान, मेलुहा, कालीबंगा, बनावली, लोथल या आलमगीर पूर्व चनहुदड़ो या मांडा? तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी जो दिलुमन, मगान और मेलुहा है वो हड़प्पा काल के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन कौन से, दिलुमन, मगान और मेलुहा, है ना, आपने एक नॉवल पढ़ा होगा इमोर्टल ऑफ मेलुहा, है ना, आप बताओगे उसके राइटर कौन है कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा काल के प्रमुख बंदरगाह दिलुमन, मगान और मेलुहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, 10वें, 1ष्ठ, 4थ या 7वें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजप्रसाद में महावीर को निर्माण प्राप्ति हुई थी, तो जो भगवान महावीर है उनको किनके राजप्रसाद में, यानी किनके महल में निर्वाण मिला था, रवाखेल, अमोघवर, मल्लराज सस्तीपाल या फिर बिंबिसार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्लराजा सस्तीपाल के महल में भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में, उर्वेला में, वैशाली में या बनारस में? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में दिए, तो उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम या फिरोज तुगलक? तो उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने, बाबर ने या अंग्रेजों ने? तो देखो भारत में सबसे पहले बारूद का उपयोग किया था बाबर ने, बारूद, बाबर, इस प्रकार इसे रिलेट कर सकते हो, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अकबर ने आदम खान को किस आक्रमण के नेतृत्व प्रदान किया था, आदम खान उसको अकबर ने कहां पे आक्रमण किया था, तब उसको सेनापति बनाया था, गुजरात, राजस्थान, मालवा या दिल्ली? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर ने आदम खान को जो मालवा पे आक्रमण किया था वहां का नेतृत्व प्रदान किया था। और था कौन ये आदम खान, तो ये अकबर का सौतेला भाई था। कौन था, अकबर का सौतेला भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तेबजी, महादेव गोविंद रानाडे या महात्मा गांधी? तो देखो पूना सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानाडे साहब द्वारा। किसके द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 7 सदस्य साइमन कमीशन था ना उसमें कितने सदस्य भारतीय थे, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, इसमें भारतीय था ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसी बात का तो विरोध हुआ था, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो जिस समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय केनिंग था, कर्जन था, डफरिन था या वेवेल था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी जो डफरिन है ना उस समय भारत का वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी 1885 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत दुर्दशा नाम का जो नाटक है वो अंग्रेजी काल में रचा गया, तो ये किसने
लिखा था यह नाटक? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद या उपेंद्र नाथ अस्क? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा था, कब? 1876 ईस्वी में। तो उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या सरदार भगत सिंह? तो देखो लंदन इंडिया सोसाइटी है उसके अध्यक्ष चुने गए थे दादाभाई नौरोजी। कौन? दादाभाई नौरोजी है वो लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई, ये वक्तव्य किसके बारे में है? कथन क्या है? कथन क्या कह रहा है कि भारत में उस समय कुछ लोग थे, है ना, उनके अंदर देशभक्ति तो थी लेकिन वो अंग्रेजों की भक्ति भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी देशभक्ति तो कम हो गई, अंग्रेजों की भक्ति ज़्यादा हो गई। तो ये कथन किसके बारे में? उग्रवादियों के बारे में, उदारवादियों के बारे में, गांधीवादी के बारे में या क्रांतिकारी के बारे में? तो देखो ये कथन है उदारवादियों के बारे में। किसके बारे में बोला गया ये कथन? उदारवादियों के बारे में ये कथन बोला गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ पर रखा गया? अहमदनगर, लखनऊ, पुणे या वर्धा? तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी जो पुणे का येरवाड़ा जेल है वहां पे गांधी जी को रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार करने के बाद। अभी थोड़े दिनों पहले संजय दत्त को जब गिरफ्तार किया था तो उसको कहां रखा था? वो तो उसको भी, संजय दत्त को भी जो पुणे की येरवाड़ा जेल है वहां रखा था, वहीं पे गांधी जी को रखा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कामागाटा मारू क्या था? क्या है कामागाटा मारू? एक पुस्तक है, एक जहाज है, एक नगर है, क्रांतिकारी का नाम है। तो कामागाटा मारू एक जहाज है। क्या है कामागाटा मारू? कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी वर्ष में उत्पादित मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं, मतलब जीडीपी किसे कहते हैं? तो किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के योग को कहते हैं ना, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं को। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कह रखा है? सभी अंतिम वस्तुओं प्लस सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जीडीपी। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का शामिल नहीं होता है, ना ही सभी अंतिम वस्तुओं का। तो कह सकते हैं सभी अंतिम वस्तु, वस्तु और सेवाओं, तो सेवाओं का वस्तुओं इसमें शामिल नहीं किया। और सभी वस्तु नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें मध्यवर्ती भी हो सकती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्शन बी में हम सेवाओं को और ऐड करेंगे तभी उत्तर हमारा सही माना जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? यानी भारत में जो सेक्टर्स है, जैसे प्राथमिक सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र जिसमें उत्पादन हो गया ना, मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर हो गया, उद्योग इंडस्ट्री हो गई, और तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में कार्य कर रहे हैं? तो देखो सबसे ज़्यादा सेक्टर ना वो पहला प्रथम प्राथमिक सेक्टर में, नहीं भारत में जो अधिकतर जनसंख्या है वो अपने रोजगार के लिए किस पर निर्भर है? वो एग्रीकल्चर यानी कृषि पर निर्भर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वालों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा किया गया? वी के आर वी राव, दादाभाई नौरोजी, आर सी दत्त या डी आर गोडगिल? तो इसका उत्तर होगा जो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। टेरिफ एंड ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया? यानी पहले जीएटीटी चलता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, उसके बाद में 1 जनवरी 1995 का दिन आया, उस दिन क्या हुआ, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। तो जीएटीटी को संस्था में किसने बदला? डब्ल्यूटीओ ने, और डब्ल्यूटीओ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? यानी निर्धनता रेखा का नीचे मतलब आकलन करने के लिए योजना आयोग किसके डेटा का उपयोग करता है? एनएसएस, विश्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नाम का जो संस्था है उसके डेटा का उपयोग करके पहले जो योजना आयोग था वो निर्धनता रेखा का निर्धारण करता था। लेकिन अब तो योजना आयोग भी नहीं रहा, क्योंकि कौन हो गया? नीति आयोग हो गया है। कब से? 1 जनवरी 2015 से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा क्या है? क्रय शक्ति में स्थिर है, केवल स्वीकार्य जब इसका आंतरिक मूल्य हो, सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल या कोई नहीं? तो हमें मुद्रा की विशेषता पूछी है, तो कौन सी विशेषता इसमें मुद्रा की है? तो देखो ऑप्शन सी है, वो मुद्रा की विशेषता है क्या, कि मुद्रा है वो सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल है। तरल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब वो चीज जो बहुत ज्यादा आसानी से लेन देन करने में सक्षम हो, सुविधाजनक हो। तो देखो मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, और वर्तमान में भारतीय करेंसी क्या है? भारतीय करेंसी है रुपया। ये तरल है या नहीं, तो मैं एक उदाहरण से बताता हूँ आपको।
आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 का नोट है ना, और आपके पास 2-3 kg गेहूं है जिनकी कीमत है 100 रुपए, है ना। अब आप किसी के पास जाते हो कि उसके पास कोई पर्टिकुलर थिंग है जो आपको लेनी है, तो आपने उससे सामान तो ले लिया, अब उसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 विकल्प बताए मैंने, एक 100 का नोट और एक 3 किलो गेहूं। 3 किलो गेहूं की कीमत भी मार्केट में 100 रुपए है, लेकिन अब वो बंदा क्या एक्सेप्ट करेगा? 3 किलो गेहूं अब एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो इतना लिक्विड नहीं है। मान लीजिए उसने रख लिया, अब वो किसी तीसरे को नहीं दे पाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो जो करेंसी है, जो नोट है ना, भारतीय करेंसी वर्तमान में जो रुपया है वो ज्यादा तरल है। तो सबसे ज्यादा तरल क्या है? तो वो रुपया ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से हमारा उत्तर हो जाएगा, मुद्रा सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल चीज है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्थशास्त्र में साख का सामान्य अर्थ क्या है? साख क्या होती है? उधार लेने की क्षमता, उधार देने की क्षमता, उधार लेने की और देने की दोनों की क्षमता, या दोनों कोई नहीं? तो इसका उत्तर है ऑब्वियसली ऑप्शन सी, यानी साख का सामान्य अर्थ होता है उधार लेने की क्षमता और उधार देने की क्षमता। तो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? मतलब जो राष्ट्रीय आय है ना, वो कैसे निकालते हैं? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद माइनस आयात, या निवल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात। तो देखो, अगर हमें राष्ट्रीय आय पे पहुंचना है तो एनडीपी पे है, किस पे है? एनडीपी। हमारे पास क्या है? एनडीपी, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे और जोड़ क्या देंगे? सब्सिडी जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? नेशनल इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? यानी कौन राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी करता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो देखियो, सीएसओ है ना, सेंट्रल सांख्यिकी संगठन, वो राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी का दायित्व उसके पास में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव विकास सूचकांक के किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो अमर्त्य सेन साहब वो HDA के कौन से उपागम से संबंधित है? आय उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, या कल्याण उपागम? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी जो क्षमता उपागम है उसका संबंध किससे है? अमर्त्य सेन साहब से। तो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है, मध्यस्थों से क्या वसूलते हैं कृषि उपज मंडी में? बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, या परीक्षा शुल्क? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कृषि उपज मंडी में जो मीडिएटर है, मध्यस्थ है, उनसे क्या वसूलते हैं? उनसे लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। तो उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखो, राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता? नीति आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर जारी करने वाला राज्य कौन सा था? केरल, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? तो इसका उत्तर क्या होगा? जो मध्य प्रदेश राज्य है उसने सबसे पहले राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। किसने की थी? MP ने। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निवल राष्ट्रीय उत्पादन से अभिप्राय क्या है? मतलब निवल क्या होता है? नेट। और सकल क्या होता है? सकल होता है जिसमें डेप्रिसिएशन वगैरह शामिल रहता है, वो सकल होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से क्या निकाल देंगे? डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो GDP होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा, सकल घरेलू, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद की बात करी गई है ना इसमें, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डिप्रिसिएशन निकालेंगे GNP में से, GNP में से डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो NNP आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ठगी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? अगर आपके पास साथ ठगी हो गई, या आपको कोई अनुचित मतलब सामान दे दिया किसी दुकानदार ने, तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? उपभोक्ता संरक्षण मंच पे, जिला मुख्यालय पे, तहसील को, या ग्राम पंचायत को? तो इस कंडीशन में आपको जो शिकायत करनी चाहिए, अगर आप किसी दुकानदार से सामान लाते हो और उसमें कोई मतलब उसको उसने आपको एक तरीके से ठग लिया है, या फिर निम्न कोटि का सामान दिया है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण मंच पे उसकी शिकायत कर सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? PNB, अवध कमर्शियल बैंक, बनारस स्टेट बैंक, या पंजाब और सिंध बैंक? तो देखो, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था ना, वो कौन सा था? वो था अवध कमर्शियल बैंक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किलपैट्रिक द्वारा प्रदत्त
प्रायोजना नहीं है, यानी किलपैट्रिक साहब ने कौन कौन सी प्रायोजना प्रस्तुत की है इसमें से एक वो नहीं है, बाकी तीन उनकी परियोजना है। तो कलात्मक, समस्यात्मक, रचनात्मक या अनुभवात्मक, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी जो अनुभवात्मक प्रायोजन है वो किलपैट्रिक साहब का नहीं है, बाकी कलात्मक, समस्यात्मक और रचनात्मक ये किलपैट्रिक साहब द्वारा दी गई प्रायोजना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए किस प्रकार की होनी चाहिए? विषय केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक प्रधान होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए या सहायक सामग्री प्रधान होनी चाहिए? तो देखो, कोई भी अध्ययन हो, कोई भी विषय हो, उसकी जो शिक्षण विधि है ना वो विद्यार्थी केंद्रित ही होनी चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पर्यटन होता है टूरिज्म, वो सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार उपयोगी है? मनोरंजन के लिए या प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के लिए, कक्षा कक्ष में दूरी के लिए या सामूहिक समायोजन के लिए? तो पर्यटन के लिए महत्व किसके लिए? प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई मॉन्यूमेंट पे जाते हो, है ना, ऐतिहासिक स्मारक पे जाते हो, तो आप वहां जाके क्या देखते हो? बाकायदा देखते हो कि क्या चीज है, कैसा है, किस प्रकार है, तो उसको उससे सीखते हो। तो ये क्या है? पर्यटन है। और है क्या वास्तव में? ये प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन का ही तो भाग है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का श्रेय किसे दिया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं, स्किनर, स्टीफन कोरे, मिलर या किलपैट्रिक? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टीफन कोरे साहब को क्रियात्मक अनुसंधान का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? स्टीफन कोरे साहब को क्रियात्मक अनुसंधान का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को कैसा बनाता है? यानी एक अध्यापक है और वो सामग्री उपयोग कर रहे हैं श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार की, तो उनका जो अध्यापन होगा वो कैसा होगा? सरल होगा, रोचक होगा, कठिन होगा या मनोरंजक होगा? तो अगर वो श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे तो उनका अध्यापन क्या होगा? रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो विद्यार्थी उससे कनेक्ट करेंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा और उससे वो उस चीज़ को लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिखित परीक्षा मूल्यांकन की क्या है? कार्यान्वयन प्रणाली, कार्य या तकनीकी? तो लिखित परीक्षा है मूल्यांकन की एक टेक्निक है। क्या है? मूल्यांकन की टेक्निक मानी जाती है क्या? लिखित परीक्षा। मूल्यांकन की कई सारी टेक्निक है लेकिन इसमें से एक लिखित परीक्षा भी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन के कार्य के रूप में शामिल नहीं है? प्रोत्साहन, चयन, निदान या श्रेय लेना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी निदान है वो योगात्मक मूल्यांकन के एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है। यानी प्रोत्साहन, चयन और श्रेय देना है, ये तीनों योगात्मक मूल्यांकन के कार्य में शामिल होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? जांचना, परखना, परीक्षा लेना, निर्णय देना? तो मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना, निर्णय देना होता है। एक बार इस प्रश्न को देख लेना, इसका आंसर मुझे डाउटफुल लग रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की विशेषता क्या है? बौद्धिक स्तर, सैद्धांतिक आधार, सामाजिक उपादेयता या सभी? तो देखो, ये सारी ही सामाजिक विज्ञान की विशेषता है। क्या? बौद्धिक स्तर भी है, सैद्धांतिक आधार भी और सामाजिक उपादेयता भी सामाजिक विज्ञान की विशेषता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? 1950, 1951, 1952, 1953? तो मुदालियर आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। तो इस प्रकार आज के वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। अगर सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और एक बड़ी बात, हम आपके लिए एक अलग स्टेप उठा रहे हैं और हमारी जो टीम है उसने बोला है कि आप अपने विद्यार्थियों को बोलो कि वो इसमें हमारा सहयोग करें। तो उम्मीद है जब भी लॉन्च करेंगे हम, इस बारे में आपको डिटेल से अवगत करवाया जाएगा और आपका पूरा सहयोग हमें प्राप्त होगा। तब तक बने रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।